अच्छा बोर्ड क्लियरली विजिबल है? सर यस सर। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सर तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? सर एग्जांपल्स किए थे सबसे लास्ट के अंदर। हाँ सर, हमने लास्ट में किया था व्हेन वी डिस्टर्ब एन आइसोलेटेड कैपेसिटर, ओके तो उस पे वो दो कॉलम्स बनाए थे, इंक्रीजिंग डी डिस्टेंस और बाय चेंजिंग द मीडियम, तो उस पे क्या इफेक्ट होगा वो देखा था। ओके 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 ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने ये देखा था कि अगर अपन जो है कोई भी कैपेसिटर है उसको अगर डिस्टर्ब करें, लेकिन कंडीशन ये थी कि डिस्टर्ब करने के अंदर कि आइसोलेटेड है, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। अभी सेकेंड कंडीशन ले रहे हैं कि व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। एम आई ऑडिबल सर? ठीक है, यस सर। सेकेंड केस है बी, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो उसको डिस्टर्ब करने का क्या फायदा होता है उसको देखते हैं, या क्या इफेक्ट आएगा उस पर ये देखते हैं। सबसे पहले मेरे को एक बात सोच के बताओ कि कोई भी कैपेसिटर अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो क्या बैटरी हमेशा इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को मेंटेन करके रखेगी? यस सर। यानी यहां पे चार्ज तो कांस्टेंट नहीं होगा लेकिन वोल्टेज डेफिनेटली कांस्टेंट होगा। बस जैसे आइसोलेटेड के अंदर चार्ज कांस्टेंट होता है, ऐसे कैसे सिंपल अपने को इतना सा ध्यान रखना है कि कनेक्टेड बैटरी से कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम होगा, एज सिंपल एज दैट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। देखो जैसे वहां पे अपन ने किया था कि अगर डिस्टेंस में चेंज करें या डिस्टेंस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो है डिस्टेंस के अंदर चेंज करें या फिर बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो उन दोनों का अपन इफेक्ट देखते हैं। सपोज अभी इनिशियली एयर थी और अपन ने डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भर दिया तो उससे क्या चेंज आएगा, तो दोनों चेंजेस को देखते हैं। पहला है When D increase करें, D increase करें तो क्या इफेक्ट आएगा। सेकेंड है when dielectric medium is filled, dielectric medium is filled, और dielectric अगर medium भर दें तो क्या इफेक्ट आता है, इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले तुमको सोचो कि कैपेसिटेंस की बात करते हैं, कैपेसिटेंस Q इक्वल टू CV होता है। तो अच्छा पहले कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। C जो है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है, तो ओनली फॉर D इंक्रीज कर रहे हैं तो D इंक्रीज करोगे
तो क्या इसका कैपेसिटेंस कम होगा? कैपेसिटेंस कम होगा क्या? अरे बोलो, कैपेसिटेंस कम होगा क्या? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, क्यू इक्वल टू सी वी। देखो वोल्टेज तो कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, तो क्या अगर तुम डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो क्या चार्ज भी डिक्रीज होगा? यस सर। क्यू इक्वल टू सी वी, वोल्टेज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस डिस्टेंस बढ़ाने से कम हो रहा है तो चार्ज भी कम होना चाहिए। कैसे कैसे इधर देख लेते हैं। देखो उसके बाद कराते हैं वापस। फर्स्ट कैपेसिटेंस सी होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर अपन ने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर मीडियम भर दोगे तो क्या कैपेसिटेंस सी जो है वो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा, तो क्या ये सी इंटू के हो गई? यस सर। के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है क्यू इक्वल टू सी वी, तो सी जो है वो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज कांस्टेंट है तो चार्ज डेफिनेटली भी इंक्रीज होगा, चार्ज भी इंक्रीज होगा। अगर बीच में मीडियम भरोगे तो चार्ज भी इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। उसके बाद थर्ड देखते हैं। आप देखो क्यू देख लिया, सी देख लिया, बी तो कांस्टेंट है ही सही। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है कैपेसिटर के अंदर? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। कितनी होती है? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। Q upon A into epsilon naught. Epsilon naught. अच्छा इसके अंदर तो Q upon A into epsilon naught करने की जरूरत भी नहीं है, अपन ऐसे भी देख सकते हैं, वोल्टेज कॉन्स्टेंट है ना यार, तो वोल्टेज कॉन्स्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मैं V upon D लिख सकता हूँ? बोलो। अरे वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस लिख सकता हूं ना sir. और वोल्टेज कांस्टेंट है और डी अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। ऐसे कैसे? इधर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इधर भी वोल्टेज अपन डी के तो चेंज नहीं कर रहे हैं इसलिए डी अपॉन डी नहीं लिख रहे हैं। अपन जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज कर रहे हैं इसलिए अपन वो फॉर्मूला ही पुट करते हैं। बताओ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? क्यू अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? अरे बोलो। ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। Q upon A into epsilon not K into 1 by K। अरे Q upon A into epsilon not होता है क्या? Into 1 by K। अरे ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अब देखो अपन के की वैल्यू अगर पुट करोगे, अपने को पता है कि डायलेक्ट्रिक मीडियम भरने से, डायलेक्ट्रिक मीडियम भरने से एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ जाएगा। लेकिन क्यू भी तो कॉन्स्टेंट नहीं है, क्यू भी तो इंक्रीज हो रहा है। अरे बोलो। यस सर।
तो फिर ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से भी तुम देख सकते हो क्यू जो है कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, सी के टाइम्स इंक्रीज होगा, तो क्यू भी के टाइम्स इंक्रीज होगा, एप्सिलॉन नॉट भी के टाइम्स इंक्रीज, क्या दोनों के के कैंसिल आउट हो जाएगा? यस सर। तो ये कांस्टेंट आएगा क्या? यस सर। तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसको ऐसे भी देख सकते हो कुछ लोग जिसको समझ में आ रहा है कि वोल्टेज अपॉन डी अगर लिखा, वोल्टेज अपॉन डी लिखा, तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है, और इस केस के अंदर, इस केस के अंदर अपन ओनली फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर रहे हैं, डी में कोई चेंज कर रहे हैं क्या? नो। तो दोनों कांस्टेंट है तो ई भी कांस्टेंट आएगा, ऐसे ही बोल सकते हो। समझे क्या? उसके बाद देखो फोर्स को भी देख लेते हैं, बताओ फोर्स कितना होता है प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के बीच में फोर्स कितना होता है? फोर्स कितना होता है क्या? क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए इनटू एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है क्या? अरे फोर्स इतना ही होता है क्या? यस सर। हाँ सर। अच्छा तुम कुछ लॉजिकली सोचो, अच्छा फोर्स को मैं मैंने ये टू आता है ना यार, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे की वजह से चार्ज, तो एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और दूसरे की वजह से चार्ज यानी क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन टू इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा फोर्स, ये अपन निकाला था ना शायद फोर्स। यस सर। अब सोचो कि अच्छा अपन यहाँ पे डी चेंज कर रहे हैं, डी चेंज कर रहे हैं तो क्यू डिक्रीज हो रहा है, और क्यू अगर डिक्रीज हो रहा है एप्सिलॉन ए में चेंज नहीं कर रहे हैं तो क्या फोर्स भी डिक्रीज होगा? यस सर। यहां पे देखते हैं ये इंपॉर्टेंट केस है, ये हो गया फोर्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सोच के बताओ, वैसे मैंने एक्सेप्शन के टाइम में टाइम से तुम्हें याद रखने को बताया था, मैंने बताया था कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर भी दो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर भी दो तो बाकी पूरे कैपेसिटर के अंदर एप्सिलॉन की जगह के इंटू एप्सिलॉन हो जाता है, लेकिन के फोर्स के फॉर्मूले में ऐसा होता है क्या? नहीं सर। ध्यान रखना है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्यू तो चेंज हो रहा है, क्यू तो इंक्रीज हो रहा है ना यार, यहाँ पे देखो अपन ने देखा क्यू तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है, फोर्स के अंदर इसको देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा उनसे मैथमेटिकली अगर कोई पूछ भी ले तो देखो क्यू कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? के टाइम्स, क्योंकि कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो फोर्स कितने टाइम्स, तो फोर्स कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? क्या के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? यस सर। क्योंकि क्यू स्क्वायर आ रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। बताओ इसके अंदर कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस पार्ट, एनी डाउट प्लीज? नो सर। ठीक है तो नोट कर रहे हो या मैं रफ कर दूं? सर हाँ बोलो। हम कल के टेस्ट के डाउट डिस्कस नहीं करेंगे क्या? कल तुम्हारे टेस्ट था क्या? हाँ। मुझे नहीं पता था। अच्छा हाँ था ना, सिलेबस तो मैंने ही बताया था। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तो डाउट्स
डाउट्स आज अपन पढ़ लेते हैं, तुम कल या जब भी तुम अपन चलो डाउट तो स्क्रीन शेयर करके भी डिस्कस कर सकते हैं, तो अभी पढ़ लेते हैं अपन, तुम मेरे को डाउट्स भेज देना जो भी डाउट्स है, कॉमन डाउट्स होंगे वो स्क्रीन शेयर करके अपन कभी भी डिस्कस संडे को भी फिजिक्स का टेस्ट है, उसमें क्या आएगा इस संडे को? हाँ सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट है। हाँ इस संडे को तुम्हारे, एक बार मैं मानसर से पूछता हूँ, बट फिर भी जब तक अपना कैपेसिटर कंप्लीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर, इन तीनों को प्रिपेयर करो, तीनों तैयारी करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो दो बार हो गया ना। ठीक है, तो फिर अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर दे देंगे। ठीक है हाँ सर। चलो तो इसको रफ कर दूं क्या मैं? यस सर। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, वो इस कैपेसिटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैपेसिटर के सर्किट कैसे सॉल्व करने हैं अगर रेजिस्टेंस के साथ है। अभी तक तुमने अगर ध्यान दिया हो तो अपन ने ओनली फॉर सुबह मॉर्निंग में भी मेडिकल के किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा था कि रेजिस्टेंस के साथ अगर कैपेसिटर है तो उस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही अभी अपन पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ढंग से देखना। अच्छा इसके अंदर जो अभी अपन ने पढ़ा है इसमें से अगर कभी, ये तो अपन ने कब कितना इंक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये थ्योरी के टाइप से देख लिया, बट इसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा तो भी कर लोगे ना कि भाई डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जैसे के भर दिया तो कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, फोर्स कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ये अपन ने कर लिया था, ऐसे कर लोगे ना सॉल्व। अरे बोलो, अरे सॉल्व कर लोगे ना यार? ठीक है, तो नेक्स्ट है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की चार्जिंग पढ़ रहे हैं, बट चार्जिंग तो अपने को पता है कैपेसिटर की ओनली फॉर बैटरी से ही हो सकती है, लेकिन बैटरी वाला तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अपन पढ़ रहे हैं सीआर सर्किट, सीआर सर्किट का मतलब है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों एक ही सर्किट के अंदर है, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों बैटरी से कनेक्टेड है। ये रेजिस्टेंस सपोज आर है, इसका कैपेसिटेंस सी है, और इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, t इक्वल टू जीरो पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, इसका कैपेसिटेंस C। V वोल्टेज की अपन ने बैटरी लगाई, या EMF लिख लेता हूं मैं, E लिख लेता हूं, E EMF की या E वोल्ट की अपन ने बैटरी लगा ली, सिंपल सी बात। तो अब अपने को इस सर्किट को सॉल्व करना है, तो सिंपल सी बात है, ना तो दो कैपेसिटर है ना दो रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों की जगह क्या मैं कोई एक इंस्ट्रूमेंट लगा सकता हूं क्या? नहीं लगा सकता। दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, दो अलग अलग डिवाइस है ना अपने पास, एक रेजिस्टेंस है एक कैपेसिटर है, तो इनका तो कोई कॉम्बिनेशन होता नहीं है, तो अपने को फिर केवीएल लगाना पड़ेगा इस सर्किट के अंदर करंट निकालने के लिए या कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए। इसके लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा? केवीएल लगाना पड़ेगा। तो केवीएल तुम्हें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों के अंदर लगाना मैंने सिखा रखा है, am I right? Yes sir. So
तुम करंट की डायरेक्शन, अब यहाँ पे देखो कैपेसिटर भी इन्वॉल्व है, तो अपन करंट की बात भी करेंगे और चार्ज की बात करेंगे। पहले मैं चार्ज की बात कर लेता हूँ। तो मान लेते हैं करंट आई फ्लो कर रही है, उसकी वजह से जैसे मान लेते हैं कि ऐसे चल रहे हैं अपन, तो करंट सपोज ऐसे चल रही, कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं, तो कैपेसिटर के अंदर ऐसे चल रहे हैं, मतलब ये प्लस ये माइनस ऐसे कैसे, इसके अंदर भी ये प्लस ये माइनस, तो सिंपल सी बात है कि अब मान लेते हैं यहां से क्यू चार्ज निकल गया, तो अब इसके अंदर केवीएल लगाता हूं मैं। सबसे पहले बताओ मैं इधर से एंटर कर रहा हूं, इधर से निकल रहा हूं, तो बताओ प्लस ई लोगे या माइनस ई? प्लस ई। प्लस वाले टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो ना, मैंने बताया जिस टर्मिनल से बाहर निकलते हो वो ही अपने को लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस लोगे या माइनस? माइनस। कैपेसिटेंस पे वोल्टेज कितना होता है, लेट्स से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज कैसे लिखोगे, क्यू इक्वल टू सी वी, तो वी इक्वल टू क्यू अपॉन सी हो जाएगा क्या? यस सर। उसके बाद इधर चल रहे हैं तो बताओ, और क्यू चार्ज के फ्लो की वजह से लेट्स से करंट आई जा रही है, क्यू चार्ज के फ्लो करने की वजह से करंट आई जा रही है, तो बताओ प्लस आई आर लिखोगे या माइनस आई आर? माइनस। माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। तो यहां से देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी इक्वल टू आई सॉरी एप्सिलॉन माइनस ये ईएमएफ E माइनस क्यू सी इक्वल टू आई इन टू आर, आर से डिवाइड कर लेता हूं, तो E अपॉन आर माइनस क्यू अपॉन सी आर इक्वल टू करंट आई। अब तुमको सोचो I और Q दो वेरिएबल है, तो I को Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर Q को I की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो डिफरेंशिएशन ज्यादा आसान, पहले डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख सकता हूं, तो I को मैं क्या dQ by dt लिख सकता हूं, क्या आई को डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ क्या? तो डी क्यू बाई डी टी आ गया अपने पास, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू ये आ गया वन अपॉन आर, तो कॉमन आ गया, या चलो ऐसे ही रहने दो, ये आ गया ई अपॉन आर माइनस क्यू अपॉन सी आर, तो dt को इधर ट्रांसफर कर देता हूं मैं, तो ये आ गया dq इक्वल टू e अपॉन r इंटू डी टी माइनस q अपॉन सी आर इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर लेता हूं, बताओ t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना है बताओ कैपेसिटर पे? जीरो। अरे बोलो जीरो जीरो जीरो। किसी भी टाइम टी पे अपने को चार्ज निकालना है, तो सॉल्व कर लो, कोई वेरिएबल और तो नहीं है। अच्छा दिक्कत ये है कि dq तो इधर है और q इधर है, तो q के सारे टर्म्स तो एक तरफ पढ़नी पड़ेगी ना यार, तभी तो इंटीग्रेट करवाएंगे। पहले q के सारे टर्म्स एक तरफ करो, तो q के सारे टर्म्स एक तरफ करने के लिए ऐसा करता हूं, मैं इसको cr से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो या सी आर कॉमन सी आर एलसीएम ले लेता हूं, डी क्यू अपॉन डी टी सी आर एलसीएम ले लिए, तो ये आ गया तुम्हारे पास सीई माइनस क्यू आ गया, सीई माइनस क्यू, तो सीई माइनस क्यू इसी के अंदर क्यू की टर्म से ये तो कॉन्स्टेंट है, तो ये आ गया डी क्यू अपॉन सीई माइनस क्यू
इक्वल टू वन अपॉन सी आर इंटू डी टी. अब इंटीग्रेट कर पाएंगे क्योंकि वेरिएबल्स को इधर उधर ट्रांसफर कर दिया. तो t इक्वल टू जीरो पे q जीरो और t इक्वल टू t पे q कुछ q मान लेता हूं. अब इसको इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ. वन अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है. वन अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x. ln x वेरी गुड. तो ये हो गया तुम्हारे पास ln x. ln x, ln x का मतलब c e minus q और x की जगह minus x है तो क्या एक माइनस साइन भी आएगा. तो माइनस साइन को मैं इधर भेज देता हूं और लिमिट है q इक्वल टू जीरो टू q इक्वल टू q. dt का इंटीग्रेशन t, t माइनस जीरो t, यानी क्या ये t अपॉन cr हो गया. t अपॉन cr हो गया क्या. ठीक है चलो ये नोट करो फटाफट फिर अपन इधर आते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं. ये जल्दी नोट करो देखो इधर वाला पार्ट जल्दी नोट करो जल्दी से नोट कर लो देखो टाइम नहीं लगना चाहिए. और आप अंदर खड़े क्या. रफ कर दूं क्या लेफ्ट वाला पार्ट. लेफ्ट वाला पार्ट रफ कर दूं. यस सर. चलो यस सर. क्या हुआ सर. वो पूछ रही थी कि वहां पे अपने माइनस सी माइनस क्यू क्यू किया माइनस क्यू बाई सी क्यों किया लिखा. माइनस क्यू बाई सी कहाँ पे है. कौन सा माइनस क्यू बाई सी. वो जो आपने लिखा था ना वहां पे आपने जो रब कर दिया उस साइड वो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस क्यू इक्वल टू सी वी होता है ना. तो वोल्टेज क्या लिखो क्यू अपॉन सी तो लिखोगे. हाँ सर समझा. हाँ, तो देखो अब इधर लिमिट पुट करता हूं तो लिमिट अपॉन लिमिट पहले पुट कर लो तो आ गया ln c e माइनस क्यू माइनस लोअर लिमिट पुट करो क्यू की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ln c e आ जाएगा इक्वल टू माइनस t अपॉन cr. ln a माइनस ln b क्या होता है बताओ. A by B. ln A upon B होता है क्या. अरे सबको पता है ना ln A minus ln B ln A upon B होता है. अरे बोलो. यस सर. ठीक है तो ln C minus Q upon C equal to minus T upon CR हो गया. अच्छा तुम्हें ये पता है ना जैसे ln x equal to something y है तो x को क्या मैं e to the power y लिख सकता हूँ. अरे मेडिकल वाले ये पता है क्या. यस सर. ठीक है तो ये हो गया देखो 1 minus q upon c इक्वल टू e टू दी पावर माइनस टी अपॉन सी आर. तो q अपॉन सी आ गया 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी अपॉन सी आर. q इक्वल टू आ गया सी ई इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी अपॉन सी आर. q इक्वल टू CE into 1 minus e to the power minus t upon CR.
किसी को अगर ये डेरिवेशन समझ में नहीं आया या समझ में आ भी गया तो भी जिंदगी में वापस कभी भी ध्यान नहीं रखनी है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चार्जिंग के टाइम इनिशियली अगर चार्ज जीरो है कैपेसिटर पे, उसको रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दोगे तो किसी भी टाइम टी पे उस पे चार्ज तो इक्वल टू सी ई इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन सी आर होगा। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? अरे बोलो ये फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा। तो जैसे अपन ने क्यू निकाला है ऐसे कैसे अपन dq by dt से करंट निकाल सकते हैं कि उसके अंदर करंट कितनी फ्लो करेगी? तो करंट कितनी हो जाएगी? करंट हो जाएगी dq by dt, इसका डिफरेंशिएशन कर दो t के रेस्पेक्ट में, तो c e तो कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है माइनस t / cr, लेकिन वापस इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो माइनस वन अपॉन सी आर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा यानी माइनस 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 प्लस हो गया, ये जीरो हटा देता हूं, माइनस वन अपॉन सी आर ये बाहर आ गया, यानी करंट कितनी आ गई माइनस माइनस प्लस ई अपॉन आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन सी आर, ये करंट आ गई। तो चार्ज तो कितना होता है? चार्ज तो होता है C into one minus e to the power minus t upon CR, और करंट होती है E by R into e to the power minus t upon CR। इन दोनों फॉर्मूले के अंदर कोई डाउट? नो सर। अच्छा इसके अंदर जो CR होता है CR इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट इसको टाउ से लिखते हैं, टाइम कांस्टेंट फॉर सीआर सर्किट, टाइम कांस्टेंट फॉर सीआर सर्किट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ई बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, सीआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट सीआर होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो सी इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। क्या इस बात को समझ गए क्या? इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, पहले ये फटाफट नोट कर लो इसका मीनिंग क्या है उसको समझते हैं, जल्दी से नोट कर लो। अरे बोलो